ये है जी हलवा और साथ में है जी ऑमलेट। अच्छा तो आप देख सकते हैं जी, आप लोग शुरू हो गए, ये लो गुस्सा कर रहे हैं। ये है जी रूम, लाइट्स ऑफ है, ओह जबरदस्त। जो रूम मैं आपको दिखाया ये है 18,000 पर डे। Hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Tala Mughal. We are back in another vlog. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो अभी आपका भाई उठा है सुबह सुबह, शावर वगैरह लिया है और सुबह का व्यू आप चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो अभी जो है शावर वगैरह ले लिया है, तो अभी नाश्ते के लिए जाना है। हफीज़ भाई अभी शावर ले रहे हैं, मैं शावर लेके निकल चुका हूँ, वो भी शावर ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे नाश्ते के लिए और नाश्ता करके फिर हम आएंगे और उसके बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे वापस इस्लामाबाद की तरफ। तो देखते हैं, कुछ थोड़ी सी वीडियोज़ बनाएंगे, तो अगर थोड़ी सी कहीं घूमने गए वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, बाकी नहीं तो फिर इस्लामाबाद वापस जाएँगे और कल से फिर इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काम ये भी करना ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके भाई आपके साथ शेयर करता रहेगा। तो अभी चलें नाश्ता करने जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अभी हम जा रहे हैं जी नाश्ता करने, हमारे असीज भाई माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, सुबह सुबह के रेडी हो गए, तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने। और ये है जी मेन एंट्रेंस का जो है ना व्यू आपके सामने, इनका लॉन्च है और अभी जा रहे हैं जी। ये मेरा ख्याल यही है बूफे, हाँ चलो ब्रो। ये है जी हलवा और साथ में है जी ऑमलेट और इसके साथ है पराठे और साथ में है जी आलू की भुजिया और साथ में है चने। ये है जी हमारा सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता। ओहो यार ये इसमें ना जब ब्लू लाइट आती तो इसकी और ही लेवल हो जाता है अलग। अच्छा तो आप देख सकते हैं जी, आप लोग शुरू हो गए, ये लो गुस्सा कर रहे हैं, आते सारे गुस्सा कर रहे हैं, तो मुंह इतना क्यों बनाया है हैं? ओए चल आप राजी हो गया खाने का टाइम नहीं, नाश्ते का टाइम है बोलते खाने का टाइम है, टाइम नहीं गया ये खाने का टाइम हो, ये नाश्ते का टाइम। आपने चने पी ली, अच्छा टेस्ट है, चने नहीं खा नाश्ते। आलू की भुजिया अच्छी है। क्या बोल रहे हैं, बोलो ना क्या बोलना है, जो बोल रहे थे अभी। मैं खाना खा रहा हूँ, नाश्ता करना, नाश्ता यार पहले सोच, तू कर क्या रहा है, खाना खा रहा है नाश्ता कर रहा है? इसकी तरह मैं घर चला जाऊँ तू आया क्यों था, घर जाना था है? सारे प्लान के गड़बड़ करनी होना तो हमारे साथ अब असीब आई तो बोलता मैं घर चला जाऊंगा। जूस अच्छा है, टैंक बना, जूस नहीं है टैंक, अच्छा टैंक जूस है, जूस एक अलग चीज़ होता है, ये टैंक अलग चीज़ होता है, आपको नहीं पता हंस रहा है ये।
हंसने वाली चीज़ है। वो मुझे छोड़ के खुद नीचे चले गए, अभी मैं भी जा रहा हूँ और जाते जाते आपको एक बार व्यू भी चेक करा दूँ। ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू चेक करें, ज़बरदस्त। वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है जिससे हम आए थे और इसी से हमें वापस जाना है। और इस्लामाबाद नहीं, मरी एक्सप्रेसवे। तो चलें निकलते हैं। हम जा रहे हैं TDCP हिल टॉप रिजॉर्ट, ऊपर जा रहे हैं हिल टॉप रिजॉर्ट। और मेरे साथ स्पार्टर हैं हफीज़ भाई और साथ में हसीब भाई। तो मरी से वो वाला TDCP नहीं है। हाँ ये वो नहीं, मरी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस वे के ऊपर जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, ये जा रहे होते हैं तो मेन पे आते हैं, तो इधर आपको घोड़े भी मिल जाते हैं। वो सामने घोड़े भी हैं ब्रो। हाँ वो सामने हैं ब्रो। अच्छा इनकी वैसे रूम वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं, क्या कहते हो, बंदा अगर वैसे आना चाहे तो। अच्छा तो ये हम जा रहे हैं, अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन्स हैं। और ये घोड़ा खड़ा हुआ है और सामने ही है जो इनकी पार्किंग है। इधर भी काफ़ी रश है भाई। ये हम आ गए हैं जी, यहाँ हम गाड़ी छांव पे लगाएंगे पार्किंग, इधर पिक्चर्स भी बनी। अच्छा तो अभी हम आए थे TDCP हिल टॉप रिजॉर्ट पे, तो अभी देख सकते हैं आप ये दोनों बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए जैसे मलाह बेड़ी रोड के नहीं बैठ जाता, बिल्कुल वही सीन है। तो रानी हमारी ये लगी हुई है। तो यहाँ पे भी अभी काफ़ी रश है, पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था बट अभी जो है ना यहाँ पे भी रश है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इन तक कोई रूम वगैरह चेक करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर बंदे ने कहीं आना हो तो बंदा इधर भी स्टे करना, क्योंकि यहाँ पर सुकून है। एक अगर आप पुरसकून लाइफ चाहते हैं और पहाड़ों के बीच में ना, तो आपको यहीं सुकून मिलेगा बिल्कुल। आप देख सकते हैं प्रॉपर बच्चे वो झूले ले रहे हैं, सारे आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपने अगर अच्छी वाइब्स लेनी है, सुकून चाहते हैं आप, तो आप पहाड़ों के अंदर आएँ, यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। और सुकून कहीं भी नहीं है लाइफ में। देखें जब आप बंदा थक जाता है ना लाइफ से, तो फिर बंदा इन्हीं चीज़ों की तरफ रुख करता है, यहीं पर आता है, यहीं पर आके इंजॉय करता है। बट फिर भी अगर आप ना कर सकें तो वो अलग बात है। चलते हैं, चल के देखते हैं कोई रूम अगर वो अवेलेबल है तो। ऊपर इनका रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी कुजीन। ये आप देखें, यहाँ पे आप आउटडोर बैठ सकते हैं, इंडोर भी है, और अंदर सामने ये किचन रहा। तो ये सीन्स है माशाल्लाह, अच्छा निज़ाम बनाया हुआ, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी छोटा सा बनाया हुआ है, झूले वूले ले सकते हैं बच्चे। ये है जी रूम, लाइट्स ऑफ है, वो ज़बरदस्त LCD भी है यहाँ पे। वॉशरूम में अटैच नहीं है, ये साथ है वॉशरूम कहाँ पे। अच्छा और ये है जी वॉशरूम, और पानी भी 24 आवर आपको गर्म मिलेगा, और साथ ही छोटा सा टेरेस भी है। ये कैसे खुलता है, विंडो ओपन नहीं हो रही, और ये टेरेस है, साथ में AC भी आपको मिलता है साथ में यहाँ पे। ये क्या लैंप लगे हुए, सही ज़बरदस्त। तो अभी जो रूम आपको दिखाया ये है 18,000 पर डे, और इसके साथ ही एक रूम है, मतलब वो साइज़ में से छोटे हैं बट जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा था साइज़ में, इसलिए इसकी ये प्राइस है। और वो आपको नीचे एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा, इसकी जो प्राइस है, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम ही हैं बट वो छोटे हैं, उनकी प्राइस जो है 12,000 है पर डे TDCP। ये अभी लीज़ पे हो गए ना, गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहे, गवर्नमेंट के अंडर होते तो सस्ते होते, इसी वजह से ये महंगे हो गए। तो चलें, हमने स्टे तो अभी करना नहीं है, अभी हम निकलते हैं। अभी हम आ चुके हैं B17 में हफीज़ भाई को ड्रॉप करने हैं, और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे इस्लामाबाद। तो अभी इनको ड्रॉप करते हैं फिर निकलते हैं। ओके जी हफीज़ भाई, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। और आप बताएं, आपने एंजॉय किया या नहीं? बस यार 2-4 महीनों के लिए फिट हो गए। फिट हो गए, फिट हो गए हफीज़ भाई। और असीफ तुम बता? मैं भी फिट हो गया भाई, फिट हो गए। ओ इन्जॉय हमने बड़ा किया, शुक्र अलहमदिल्ला, आगे जाना फिर, बड़ा मज़ा आया।
तो जो है ना अभी हम निकल रहे हैं हफीज़ भाई बाय बाय करके। तो अभी जो है हम आ चुके हैं खन्ना पुल और हमारे असीब भाई यहाँ से जा रहे हैं, इन्होंने गाड़ी बुक कर ली है, ये जा रहे हैं और मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। तो बड़ा अच्छा रहा असीब भाई आपके साथ जो सफ़र है, तो आप सुनाएं मज़ा आया मरी का? अच्छा सही सही सही, चलें गुड है, फिर अभी आप जाएं सुकून से, तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी गाड़ी आती है फिर आप निकलें तो हम भी चलते हैं फिर घर। अभी हम चलते हैं जी अटक पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाने के बाद फिर चलते हैं घर, रेस्ट करते हैं, नींद भी सही से पूरी नहीं हुई, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो ये रहा जी अटक पंप। पेट्रोल डला है 3700 का, 14 लीटर 0.93। गाड़ी चली है 335 किलोमीटर, इसको कर दें ज़ीरो और एवरेज का क्या सीन है 20, इसको भी कर देते हैं ज़ीरो। सी भाई को ड्रॉप किया, पेट्रोल वगैरह डलवा लिए, तो मड़ी का ट्रिप हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, तो अभी घर चलते हैं तो चल के रेस्ट करते हैं। तो ओके गाइस, आज के व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।